एकलव्य आवासीय विद्यालय घनसोर में ओजस यूथ क्लब के द्वारा खंड स्तरीय कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहे 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को कैरियर के लिए मार्गदर्शन दिया गया। यहां पर आए विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं को सरल भाषा में सबको समझाया। तो इस कार्यक्रम के दौरान अगर देखा जाए तो घनसोर ब्लॉक के लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। निजी एकेडमी स्कूल के संचालक कुंवर शक्ति सह ने बताया कि यह कार्यक्रम उन छात्र छात्राओं के लिए विशेष महत्व रखता है जो माता पिता किसानी या मजदूरी करते हैं, क्योंकि इन छात्र छात्राओं के माता पिता को यह पता नहीं होता कि बच्चों को आगे क्या करना चाहिए। यह एकलव्य स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहा है कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम को, मेरे दृष्टि से तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, क्योंकि जिन परिवारों के बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम संख्या में है वो किसानों के और देहात के बच्चे हैं। तो ये कैरियर गाइडेंस के नॉलेज देने वाले मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार में कोई लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके का हमारा इलाका है, इलाके में जो शिक्षा का माहौल है, तो उसके हिसाब से ये मंच उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। ये दशा सुधारेगा और दिशा देगा, क्योंकि बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजना जानते हैं यहाँ के पालक, क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, आगे क्या पढ़ना है, इसके बारे में ज़्यादा पालकों को मैं नहीं समझता कि ज़्यादा नॉलेज है। तो ये मंच बहुत ही अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहा है, और इसमें से अगर 10% बच्चों ने भी इसको पिक कर लिया तो इस कार्यक्रम की सफलता होगी। विद्यालय घनसोर के परिसर में ओजस यूथ क्लब के माध्यम से के तत्वाधान में कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और यहाँ के सारे शिक्षक प्राचार्यगण, ये सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे एकेडमी से विषय विशेषज्ञ बुलाए हैं जो बच्चों को ये बता रहे हैं कि वो 10वीं या 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद किस कैरियर में जा सकते हैं, किस उनके उसमें संभावना बनती है कि वो अपने कैरियर को कैसे चुन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वो अपनी क्षमता या प्रतिभा के अनुसार उसका चुनाव करके उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सर, कितने स्कूलों के बच्चों को यहाँ जो आमंत्रित किया गया? इसमें पूरे घनसौर विकास खंड में जितने भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, उन सभी के बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। बड़ी संख्या में बच्चे एकत्रित हुए हैं, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं और सारे हमारे शिक्षक प्रचार सभी इसमें लगे हुए हैं कि हम इन बच्चों को अधिक से अधिक मोटिवेट कर सकें, इनको अच्छे ऑप्शन चुनने के लिए दे सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया गया है। मैं यूथ क्लब के अंतर्गत हमारे जिलाधिकारी महोदय, डॉक्टर महोदय, इसी सब के मार्गदर्शन के द्वारा हमको प्रेरणा मिली कि हमको भी यहाँ पर कुछ करना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने विगत 2 वर्ष पूर्व हमने खंड स्तरीय प्रोग्राम किया था, उसमें काफ़ी सफलता मिली थी, अच्छा परीक्षा परिणाम भी आया था। उसी उद्देश्य से, जैसे हमारे अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलता है, उसी को साकार करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर खंड स्तरीय कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी प्राचार्य शिक्षक साथी मिल करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। लगभग कितने छात्र छात्राएं उपस्थित हुए और क्या व्यवस्थाएं की गई है उनके लिए? हमारे इस कैंपस में लगभग आज 2000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं और वो जरूर इसमें परीक्षा परिणाम में वृद्धि भी करेंगे, साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश भी प्राप्त होगा कि 12वीं के बाद जाके क्या करें और कैसे अपने जीवन में करियर मार्गदर्शन प्राप्त करें और अच्छे सफल व्यक्तित्व का निर्माण वो कर सकें।